Hello students. Students, today we are going to start chapter number 2, that is Diversity in Animal Life from Unit 1, Living World. So please open page number 19 of your textbook. Before reading this chapter, we will see certain question which is given in the box. The first question is, how do you think the fish, frog and insect breathe? Fish, frog or insect kaise breathe karte hain? Second question is, name some carnivores, herbivores and omnivores. डिविजन है एनिमल का ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट. कैसे एनिमल फीड करते हैं? एनिमल्स आर डिवाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, दैट आर कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ओमनीवोर्स. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू नेम सर्टन एनिमल्स. एंड लास्ट क्वेश्चन इज, नेम वेरियस ऑर्गन विच हेल्प एनिमल टू मूव. कुछ ऑर्गन्स के ऐसे नाम बताएं जो एनिमल को मूव करने में हेल्प करता है. सो स्टूडेंट्स, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू मे गेट द आंसर ऑफ ऑल थ्री क्वेश्चंस. जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इस चैप्टर को रीड करने के बाद आप उन क्वेश्चंस के आंसर को इजीली बता पाएंगे. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. द एनिमल किंगडम, टॉपिक इज हैबिटेट. द एनिमल किंगडम कंप्राइजेस डाइवर्स टाइप ऑफ एनिमल विद डिफरेंट हैबिट्स, डिस्टिंक्ट बॉडी फीचर एंड डाइवर्स बिहेवियरल पैटर्न. जो एनिमल किंगडम है बच्चे, जो किंगडम है ये डिवाइड करा है टू कैटेगरीज में. वन इज प्लांट एंड सेकेंड वन इज एनिमल. तो इन दिस चैप्टर वी आर बेसिकली स्टडी अबाउट एनिमल्स, डिफरेंट हैबिट्स, डिस्टिंक्ट बॉडी फीचर. एनिमल्स की हैबिट्स, एनिमल्स की बॉडी फीचर, कैसे एक एनिमल दूसरे एनिमल से डिफरेंट है. इनके बिहेवियरल पैटर्न, कैसे एक एनिमल का बिहेवियर दूसरे एनिमल से डिफरेंट है. ऑल दीज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द हैबिटेट इन विच द एनिमल लीव. एनिमल की हैबिट्स, एनिमल की बॉडी फीचर, एनिमल का बिहेवियर पैटर्न डिपेंड करता है कौन से हैबिटेट में एनिमल रह रहा है. हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट इज ए नेचुरल इन्वायरमेंट इन विच एन एनिमल लीव्स, रिप्रोड्यूस एंड सर्वाइव. हैबिटेट एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर में. इसका मतलब क्या होता है बच्चे हैबिटेट का? हैबिटेट वो नेचुरल इन्वायरमेंट है, वो नेचुरल सराउंडिंग है जिसमें कोई एनिमल लीव करता है, रहता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपने यंग वन प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ सर्वाइव करता है, अपना जीवन काल, अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट करता है. एनिमल डेवलप्स हैबिट फीचर्स एंड बिहेवियरल पैटर्न दैट सूट्स देयर हैबिटेट. एनिमल अपनी हैबिट को डेवलप करता है, फीचर्स डेवलप करता है, बिहेवियरल पैटर्न को डेवलप करता है. ऐसे डेवलप करता है कि वो जिस हैबिटेट में रहता है आसानी से रह सके. इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू स्टडी द हैबिट्स एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. इसका क्या मतलब है बच्चे? जैसे कि मान लो एक पोलार बियर है. पोलार बियर का हैबिटेट क्या है? पोलार रीजन. फीचर्स क्या हैं? वाइट कलर का मोटा फेदर्स है उसकी बॉडी पे, फर प्रेजेंट है. बिहेवियर पैटर्न भी चेंज है. अगर इस एनिमल को, अगर हम पोलार बियर को फॉरेस्ट में अगर ले आएं, तो फॉरेस्ट में पोलार बियर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसकी जो मोटी ब्लैबर स्किन है, फैटी स्किन है, उससे उसको गर्मी लगेगी तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा. और खाने के लिए जो चाहिए वो उसको सूट नहीं करेगा. और सेम ऐसे उसका बिहेवियरल पैटर्न भी चेंज. जैसे कि पोलार रीजन में बहुत सर्दी होती है जिसकी वजह से डे और नाइट का फ़र्क होता है, तो उसकी वजह से इसके बिहेवियर में भी चेंज आ चुका है, इसका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो चुका है, तो इससे भी ये सर्वाइव करने में इसको परेशानी होगी. तो जो एनिमल जिस हैबिटेट के लिए बना है, अगर उस हैबिटेट में ही रखें, वही हैबिटेट इसको बेस्ट सूट होगा और वहाँ पर आसानी से रह पाएगा. सो नेक्स्ट वी हैव ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन. आर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन. ऑल एनिमल रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू सर्वाइव.
दिस ऑक्सीजन इज यूज बाई द बॉडी टू बर्न फूड एंड प्रोड्यूस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन. जितने भी एनिमल्स हैं दे रिक्वायर ऑक्सीजन टू ब्रीथ. एनिमल्स को क्या चाहिए बच्चे? ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए. जो ऑक्सीजन है ये बॉडी यूज़ करती है टू बर्न द फूड. हम जो खाना खाते हैं उस खाने को बर्न करने के लिए, और बर्न करने से क्या होगा, हमें एनर्जी मिलेगी, और यही एनर्जी हमारे जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं या बॉडी फंक्शंस हैं उनको कंप्लीट करती है. वाइल एनिमल लिविंग ऑन द लैंड गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड दूज आर लिविंग इन वाटर गेट ऑक्सीजन इन डिजॉल्व फॉर्म. जो एनिमल लैंड पे रह रहे हैं हम इनको क्या बोलते हैं बच्चे? टेरेस्ट्रियल एनिमल. जो एनिमल लैंड पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चे? टेरेस्ट्रियल एनिमल. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को एयर ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? एयर से. कहाँ से मिलती है बच्चे? एयर से. और वो एनिमल जो पानी में रहते हैं क्या बोलते हैं उनको? एक्वेटिक एनिमल. और एक्वेटिक एनिमल को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? वाटर से मिलती है. एनिमल इन डिफरेंट हैबिटेट्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग सिस्टम. जो एनिमल जिस हैबिटेट में रहता है उनका ब्रीदिंग सिस्टम भी वैसा ही डेवलप हो चुका है. जैसे कि जो एनिमल लैंड पे रह रहे हैं वो एयर ब्रीथ करते हैं, उनके लंग्स से एयर ब्रीथ करते हैं. तो जो अलग अलग एनिमल्स का ब्रीदिंग पैटर्न है इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं. लंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डील विद लंग्स. सबसे पहले हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे. लंग्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर. This is the lungs of a human being. Lungs are the organs that helps mammal, reptile and birds to breathe. Lungs help karta hai mammals ko, just like human beings. Reptiles, snakes, lizards jo hote hain, और बर्ड्स को ब्रीथ करने में. द एयर एंटर द नॉस्ट्रल्स एंड गोज़ इन टू द लंग्स थ्रू विंड पाइप. जो नॉस्ट्रल्स हैं आप देख सकते हैं नोज के अंदर जो आपके दो होल्स प्रेजेंट होते हैं वो बोलते हैं नॉस्ट्रल्स. इन नॉस्ट्रल्स से एयर हमारे विंड पाइप में जाती है, और विंड पाइप से होते हुए हमारी लंग्स में जाती है. द एयर एंटर्स द नॉस्ट्रल्स एंड गोज टू द लंग्स थ्रू द विंड पाइप. द लंग्स विच हैव अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड. लंग्स के अंदर क्या है बच्चे? ब्लड का बहुत अच्छी सप्लाई है, और ब्लड की अच्छी सप्लाई होने की वजह से दिस ब्लड एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड दैट इज ब्रीद इन. तो क्या करते हैं बच्चे, जो हमारी एयर ब्लड सॉरी ब्लड प्रेजेंट है हमारी लंग्स में, क्या करते हैं एयर्स में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. कौन सी एयर? जो हमने ब्रीद इन करी है. द एयर ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. एयर जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है दैट ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. ब्लड क्या करता है बच्चे, हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ में मिक्स हो जाती है, और ये हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ से लेके आती हैं लंग्स में, और लंग्स से ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के बाहर ब्रीद आउट हो जाती है. एंड द ऑक्सीजन टेकन इन इज सप्लाइड टू द एंटायर बॉडी थ्रू द ब्लड. और जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड ने ली है वो पूरी बॉडी के पास में